आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए ग्लेज पेपर से सुंदर से फ्लावर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लेज पेपर में से हमने 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 32 सेंटीमीटर लंबा एक पीस कट कर लिया है इसका पेपर का। अब हम इस पेपर को इस तरह से ग्लू से चिपका लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्लू लिया चिपकाने के लिए। ये देखिए, इस साइड में हम ग्लू लगाएंगे और इस पूरे में आप यहाँ पे फेविकॉल लगा सकते हैं और इसे इस तरह से चिपका देंगे। इसे देखिए, हमने इस साइड चिपका दी इनकी इस तरह से। अब हम लगभग 1 सेंटीमीटर पे ये निशान लगा लेंगे पेंसिल से। 1 सेंटीमीटर पे इस तरह से निशान लगा लेंगे नीचे वाले हिस्से पे। ये बंद वाला हिस्सा ऊपर है हमारा, ये खुला हिस्सा जो हमने चिपकाया था इस तरफ है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगा लिया। अब हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक कट करेंगे। जहाँ पे 1 सेंटीमीटर लगा है इसको छोड़ के ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ तक कट करेंगे। जितना बारीक आप कट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। बहुत कम कम दूरी पर हमें इस तरह से कट करना है। बस ये आधा ये 1 सेंटीमीटर पर जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक छोड़ना है, इसको आगे कट नहीं करना। ये कितना हमने कट कर लिया है, ये पूरा पेपर हमें यहाँ तक इसी तरह कट करना है जैसे कट किया है। देखिए, हमने पूरा पेपर यहाँ से कट कर दिया है जुड़े वाले हिस्से से इस तरह से। अब हम इसे एक साइड रख देते हैं। ग्रीन पेपर लेंगे हम, इसे हम इस तरह डबल कर लेंगे। हमने डबल कर लिया, ये पेपर डबल है देखिए इस तरह से, ये जुड़ा हिस्सा है। अब यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर और यहाँ से 8 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। सेंटीमीटर है ये, 8 सेंटीमीटर है और ये इस तरह से 7 सेंटीमीटर है और ये डबल कागज है। अब हम इसे कट कर लेंगे। डबल है अभी जो हमने डबल, ये से हम चिपका लेंगे। देखिए हमने चिपका दिया यहाँ से। हम फिर से 1 सेंटीमीटर छोड़ के इस तरह निशान लगाएंगे और इन निशान तक कट करना है हमें, इस तरह से कट करना है हमें। एक बार इस तरह करना है, दूसरी बार ऊपर से तिरछा करना है, फिर बीच वाले हिस्से को निकाल देना है। हमने नीचे को मोड़ दिया इसकी पत्तियां, अब इसे भी एक साइड रख देते हैं। देखिए, ग्रीन पेपर में से हमने 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 32 सेंटीमीटर लंबाई का एक पीस कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से, मैंने एक स्टिक लिया है, ये इस तरह से स्टिक पे रोल करते हुए रोल करते जाएंगे। ये पेपर से एक लंबी सी स्टिक बना लेंगे। यहाँ पे लास्ट में फिर से ग्लू लगाएंगे, उसे इस तरह चिपका देंगे। ऐसे हमारी स्टिक तैयार हो गई है ग्रीन कलर की फ्लावर के लिए। अब हम इस पे इस तरह से ग्लू लगाएंगे
और जो हमने ऑरेंज कलर का पेपर कट करा था इसे इस तरह से इसे रोल करेंगे। इसे रोल कट करेंगे नीचे तक और नीचे भी घुमाते हुए ले जाएंगे। इसके यहाँ पे लास्ट सिरे में रोल आएंगे तो इसे इस तरह से स्टिक कर देंगे। इसे हमने चिपका दिया, यहाँ हम फिर से ग्लू लगाएंगे और जो हमने ग्रीन पेपर कट किया था इसे भी इस पे लगा लेंगे। इसे भी इसी तरह घुमाते हुए इस तरह से चिपका लेंगे सजावट को। हमारे सुंदर सा फ्लावर तैयार हो गया। से इसी तरह हम बाकी के फ्लावर भी तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने बाकी के फ्लावर भी तैयार कर लिए 3 रंगों में अपने तिरंगे कलर के। तो इस रिपब्लिक डे पर आप भी इस तरह से कागज से फ्लावर बनाइए, अपने घर को सजाइए और साथ ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।